एनएच में कन्वर्ट कराएं, पुल पुलियां बनवाएं, तो एक काम ऐसा नहीं कि काम हम लोग और उस समय तो हम आप समझ सकते हैं अंदाजा लगा सकते ना होने पर भी हमने उस जिम्मेवारी को निभाया, ईमानदारी से हमने काम किया, तो लोगों का प्यार मिला है। कड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव क्या तेजस्वी यादव को क्या सीबीआई ईडी से डर नहीं लगता है? क्या तेजस्वी यादव को सीबीआई ईडी से डर नहीं लगता है? आप जो कह रहे हैं क्या तेजस्वी यादव को सीबीआई ईडी से डर नहीं लगता है? अरे भाई, आप तैयार हैं? जब हम पहली बार विधायक बने, डिप्टी सीएम बने, जब हम काम कर रहे थे बिहार के लिए, नितिन गडकरी केंद्र से सहयोग भी हम जा करके झगड़ करके ले आते थे, एक फायदा पहुंचाते थे, जब नए नए थे तब सीबीआई के लोगों ने मुकदमा किया। कितने साल हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ गलती की होती तो सजा तो न्यायालय दे ही ना देती। तो खैर, इस चीज पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। अभी ये सब मुकदमा लाता है, जब मेरा मूंछ नहीं था, जब हम क्रिकेट खेलते थे तब। अरे भाई, हमने क्या गलत काम किया? हम जो 18 महीने अगर डिप्टी सीएम रहे हैं, उसमें अगर हमने कोई गलत काम किया तो आपको इसमें कमी कोई मिली नहीं? कोई केस बना नहीं तो भाई कैसे बना? तो ये तो देखिए, हम लोग निश्चिंत हैं। कल ललन जी ने भी तो एक बात कही, करने दीजिए ना भाई सीबीआई ईडी इनकम टैक्स, आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जा कर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते? कब करें आप बताइए ना, हम पूछ रहे हैं। हम करेंगे मुख्यमंत्री जी आदरणीय, जैसा कहेंगे वैसा होगा, जब कहेंगे तब होगा। हम आप लोगों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास रख सकते हैं कि पत्रकार भाई लोग ही चाहते हैं कि कब हो, वही तारीख बताना चाहते हैं। तो आप बता दीजिए तारीख। कह रहे हैं कि देखते हैं चाचा भतीजा की सरकार कब तक रहती है, देखते हैं। उन्होंने चैलेंज दिया कि देखते हैं कब तक रहती है चाचा भतीजा की सरकार। वो जब तक शांत रहते तब तक उनका चेहरा खिलता है। इस तरह की बातें बोलते तो अच्छे नहीं लगते। विराट सिंह ट्वीट कर रहे हैं सर, विराट सिंह ट्वीट कर रहे हैं। नीतीश जी का जब सामंजस्य नहीं बनता किसी के साथ तो वो पलट जाते हैं, कई बार हुआ, इस बार क्या गठबंधन? महागठबंधन ही है और यही सरकार गरीब और जनता की सरकार है। सब चीज देख दाग के ना आए हैं, देश के हालात, राज्य के हालात, ये सब कुछ देख दाग के आए हैं। और आए हैं तो हम लोगों ने तन मन धन से स्वीकारा है, और हम लोग समाजवादी लोग हैं। अरे भाई, हम लोग समाजवादी लोग हैं। अरे भाई, हमारा मैनिफेस्टो क्या था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, यही सारी चीजें थी। गिरिराज सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि रोजगार कब तक, 10 लाख रोजगार पर बात कर रहे हैं। योजना पहले से चल रही है, वो तो चलेंगी ही, उसमें जो नए सुझाव होंगे हम लोग दे सकते हैं। वो तो बात की बात है, पहले एक बार ट्रस्ट वोट तो हो जाने दीजिए। आज ही आप लोग, आज ही आप लोग सब कुछ ले लेना चाहते हैं। पैदा हुए नहीं, मरने की तारीख पूछ।